जबलपुर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर सेना में नौकरी पाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए सेना पुलिस ने 9 साजिशों को जीआरसी सेंटर से पकड़ा और उन्हें गोरखपुर पुलिस के हवाले किया। उधर जांच उपरांत गोरखपुर थाने में जालसाज गिरोह के सदस्यों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरोह के सूत्रधारों के तार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़े होने का पता चला है। आर्मी के धर्मवीर सिंह नायब सूबेदार थाना उपस्थित आए। उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनके यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट के द्वारा नौकरी एनरोलमेंट पाना चाह रहे हैं और पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उस मामले की जांच की, उसमें तथ्य ये सामने आए कि 14 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त को 3 अलग अलग लिफाफों में कुल 9 लोगों के डॉक्यूमेंट्स आए, लेकर व्यक्ति स्वयं उपस्थित यहाँ आया और इन्होंने उनको, चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल चल रहा है उसके तहत इन्होंने, आर्मी वालों ने उनको क्वारंटाइन कर दिया 14 दिन। इनकी जो प्रोसीजर है कि जब लिफाफे खोले जाते हैं इनकी एक कमेटी बनती है, वो कमेटी खोलती है 14 सितंबर को, 13 सितंबर को इनकी एक कमेटी बनी जिसने 14 सितंबर को लिफाफे खोले। तो लिफाफों में जैसे डॉक्यूमेंट सामान्यतः होना चाहिए, रंधावा सर्टिफिकेट, ग्रुप फोटो, बैकलॉग सीडी का बैकअप और एक इनका मेडिकल फॉर्म होता है AMFMS A2 करके, ये फॉर्म उसमें नहीं थे। उसमें केवल एक दस्तावेज था जिसमें लिखा, जिसमें मेजर अजय कपूर के हस्ताक्षर थे। तो इन लोगों को कुछ शक तो हुआ बट इन्होंने उस चीज़ को ध्यान थोड़ा सा इग्नोर किया। इसी बीच में इनका दिल्ली से एक लेटर आया।